ध्यान रखने योग्य नानी दादी के कमाल के हेल्दी किचन टिप्स। अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें। नंबर एक, अगर आप सब्ज़ी की ग्रेवी बनाते हो तो इसके लिए टमाटर के साथ हरे धनिए की डेंटल को भी मिलाकर पीसें और ग्रेवी में शामिल करें। सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। नंबर दो, ऑमलेट बनाते समय आप अंडा फेंटते हो तो इसमें 2 चम्मच दूध मिलाएं। इससे ऑमलेट फ्लफी बनेगा और टेस्ट दुगना हो जाएगा। नंबर तीन, जीरा अजवाइन और सौंफ को बराबर मात्रा में लेकर तवे पर भूनें और खाते समय इस पाउडर को महिलाएं खाएं, जिससे शरीर में ताकत बनी रहेगी और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और नींद अच्छी आएगी और डाइजेशन भी सही होगा। नंबर चार, जब भी तरबूज को मार्केट से ख़रीदे पहले इसको काट कर देखें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि तरबूज अच्छा है या ख़राब है। नंबर पाँच, जब भी किचन के प्लेटफॉर्म को साफ़ करें सादे पानी में 2 चम्मच विनीगर मिलाएं, जिससे किचन पर लगे दाग धब्बे आसानी से निकलेंगे और मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे। नंबर छः, लहसुन का जल्दी छिलका उतारने के लिए लहसुन को 5 मिनट ओवन में रखें या तवे पर कुछ मिनट के लिए भून लें। आसानी से छिलका उतर जाएगा, घंटों का काम मिनटों में होगा। नंबर सात, दही जमाते समय सूखी मिर्च की डेंटल गुनगुने दूध में डालें, जिससे गाढ़ा मलाईदार दही जमेगा। नंबर आठ, खाना बनाना एक कला है। अगर आप खाना बनाते समय ध्यान से इसमें सामग्री डालते हैं और अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं तो आपकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी और लोग आपके तारीफ करेंगे। नंबर नौ, गोश्त गलाते समय अगर इसमें कच्चा पपीते का पेस्ट मिलाकर गलाएं तो गोश्त मस्के की तरह गलेगा। नंबर 10, अगर सुकून भरी नींद लेना चाहते हो या आपको घबराहट महसूस होती हो तो रोज़ाना सोते समय एक अनार चबाकर खाएं, जिससे दिल को सुकून मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 11, अगर आपके हड्डियों में चटचट की आवाज़ आती हो तो नहार पेट एलोवेरा जेल में शक्कर या गुड़ को मिलाकर खाएं, जिससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा और चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ेगी। नंबर 12, अगर आप सफ़र करके आए हो तो पानी के साथ एक टुकड़ा गुड़ का खाया करें, जिससे सफ़र के दौरान आपके सांसों में जमी धूल मिट्टी निकल जाएगी। नंबर 13, यदि आप डोसे का ब्लैटर बना रहे हो तो इसको क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन और उबले चावल का इस्तेमाल भी करें, जिससे डोसा मार्केट जैसा क्रिस्पी बनेगा। नंबर 14, दाल को तड़का लगाते समय तड़के में लहसुन राई के साथ थोड़ी सी हींग भी डालें, जिससे गैस प्रॉब्लम भी नहीं होगी और दाल का स्वाद भी बढ़ जाएगा। नंबर 15, खाना खाते समय खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 16, यदि आपको खून की कमी हो जाए तो रोज़ाना दूध में छुआरे भिगोकर खाना चाहिए।